घाट स्टेशन के बाहर, सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गर्म थी और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस दो चार चुस्कियां ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी और पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। आई थी और मैं भी गांव से आया था और इस रूखे बिगड़े शहर ने लेकिन हमको अपनाया था। और एक छोटे से कमरे के कोने को किचन बना, हम उसमें चाय बनाते थे और फिर फर्श पे गद्दा डालकर हम बाहों में सो जाते थे। भाई तुम जूठा आते हो, पक्का पता लग रहा है, दिए तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये कमरे के कोने को किचन बना, हम उसमें चाय बनाते थे फिर फर्श पे गद्दा डालकर हम बाहों में सो जाते थे। तब भी दुनिया में दर्द बहुत था, तब भी मुद्दे अखबार में थे, पर हम दोनों को क्या मतलब था, हम दोनों तो प्यार में थे। और तब भी था बेड़ा गर्क जहां का, तब भी डाकू सरकार में थे, पर हम दोनों को क्या मतलब था, हम दोनों तो प्यार में थे। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। शामों का काम तो ढलना है, ढलेगी तब भी। हवाओं का काम तो चलना है, चलेगी तब भी। हो ज़ुल्फ़ों की तो ये फितरत है, उड़ेगी तब भी। कोई और संवारे का तो भी मेरी याद आएगी, तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे, तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। दिल की बात आएगी ना जबान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी,